नमस्कार सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। 22 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को बड़कागांव से किसानों व भू रैयतों का एक प्रतिनिधिमंडल रांची पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास मिलने पहुंचे। किसानों का यह प्रतिनिधिमंडल अपनी कई समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पास पहुँचे थे, जिसमें मुख्य रूप से बड़कागांव NTPC कंपनी के द्वारा गैर मजरूआ जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किए जाने और बाजबरन जमीन पर ओबी डंप करने का मामला था। गैर मजरूआ जमीन का पेमेंट कंपनी के द्वारा नहीं किए जाने के अलावा और भी कई समस्याएं थीं, जैसे डंप एरिया की चारों तरफ जितने भी गांव हैं वहां कंपनी का कोई भी मूलभूत सुविधा कंपनी की ओर से ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं कराया जाना, बाजबरन जमीन की नापी घर और जमीन की नापी कर घर तोड़वाने का दबाव देना, इसके अलावा रोजगार मुहैया कराने की बजाय लोगों को जो रोजगार से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी कंपनी बाजबरन निकाल रही है। आपको बता दें प्रतिनिधिमंडल में ग्राम केरीगढ़ा से देव प्रसाद महतो, सिकंदर महतो, सोनबरसा से निर्मल राम एवं जनार्दन रॉय एवं चुरचू से जयकरण साव के अलावा और कई लोग प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे, जहां चुरचू के जयकरण साव के द्वारा यह कहा गया कि चुरचू गांव में कंपनी के द्वारा बाजब घर की मापी कराई जा रही है और घर तोड़वाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कंपनी नौकरी का लालच देकर के जमीन ले ली, अब नौकरी का लालच देकर घर की मापी कराना चाहती है और घर भी तोड़वाने का दबाव बना रही है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कंपनी की ओर से फरमान जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि त्रिवेणी सैनिक के द्वारा कई लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया गया है। वहीं सोनबरसा के जनार्दन राय का कहना था कि बाबूलाल मरांडी जी, हम लोग सत्ता पक्ष और सरकार से गुहार लगाकर थक गए हैं, अब आप ही हमारा समाधान निकालिए। बाबूलाल मरांडी ने भी आश्वासन दिया कि हम आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा केरीगढ़ा ग्राम से सिकंदर महतो का कहना था कि महोदय, जिस प्रकार से कंपनी फॉरेस्ट की जमीन लीज पर ले रही है और जिस प्रकार से उसे पेमेंट किया जा रहा है, उसी प्रकार से रैयतों का भी जमीन, किसानों का भी जमीन लीज पर लिया जाए और रेंट दिया जाए और फिर लीज खत्म होने के बाद वो जमीन रैयतों को वापस किया जाए। ग्राम केरीगढ़ा के देव प्रसाद महतो जी का कहना हुआ, महोदय कंपनी सरकार सभी मिलकर के हम बड़कागांव के ग्रामीणों को ठग रही है। सरकार जब नई सरकार बनी तो कहा गया कि हम लोगों को गैर मजरूआ भूमि का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन गैर मजरूआ भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। देव प्रसाद महतो ने कहा कि सरकार कहती है कि जहां कोल खनन कंपनियां लगती है वहां 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, जबकि धरातल पर यह बिल्कुल गलत है। यहां हालत ऐसी है कि जो लोग ज़मीन दे रहे हैं, जिनकी ज़मीन गई है, उन लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। और तो और उल्टा जिन लोगों को नौकरी दिया गया था कंपनी त्रिवेणी सैनिक के द्वारा, उन लोगों को भी डरा धमका कर और नौकरी से तरह तरह के बहाने बनाकर निकाल दिया जा रहा है। यानी सरकार बदलने के बाद लोगों को नौकरी मिलनी तो बंद, जो नौकरी में थे उन्हें भी निकाला जा रहा है। उनका कहना था, महोदय गैर मजरूआ ज़मीन को लेकर हम लोगों ने अपने विधायक, अंचल कार्यालय, DC महोदय के पास और तो और मुख्यमंत्री के सचिव तक गुहार लगाया, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन का मुआवजा का भुगतान कहीं से होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि श्री बाबूलाल मरांडी जी ने भू रैयतों की बातों को बड़ी ध्यान से सुना और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कंपनी की अपनी मनमानी नहीं चलेगी, न सरकार की मनमानी चलेगी। आप लोगों के समस्या के साथ हम खड़े हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि विधानसभा सत्र में आप लोगों का ये बात उठाया जाए और सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएंगे कि वो आखिर गैर मजरूआ ज़मीन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें जो प्रतिनिधिमंडल किसानों का बड़कागांव से मिलने के लिए गए थे बाबूलाल मरांडी जी के पास, वे सभी लगभग 150 किसानों का गैर मजरूआ ज़मीन के कागजात के साथ गए थे। देव प्रसाद जी ने यह भी कहा कि अभी और भी बहुत सारा पेपर लोगों के पास जमा होना बाकी है, कुल मिलाकर लगभग 1000 की संख्या से भी ऊपर प्लॉट हो सकते हैं जिसमें कंपनी गैर मजरूआ ज़मीन का मुआवजा देने से इनकार कर रही है, और ऐसे पेपर हम कलेक्ट कर रहे हैं और आपको और भी हम पेपर पहुँचाएँगे। आप लोग अपने क्षेत्र बड़कागांव की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल सफ़र 24 को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र की खबरों से रूबरू रहें। धन्यवाद, नमस्कार।